दोस्तों आज हम लोग ऐसा फॉल्स सीलिंग के बारे में जानेंगे जो हर कोई गरीब भाई और अमीर भाई इसको बड़े ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे भाई लोग आज हम लोग सबसे आला कुछ नया टिका हुआ फॉल्स सीलिंग के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग का ना 12 फीट बाई 10 फीट की एक सीलिंग है ना, तो उसमें कौन कौन सी मटेरियल लगेगा और मटेरियल का प्राइस कितना होगा, लेबर इन फॉल्स सीलिंग को लगाने में कितना चार्ज करेगा और टोटल कॉस्ट कितना आएगा। फिर लास्ट में ये भी जानेंगे इस तरह की फॉल्स सीलिंग का एडवांटेज क्या रहेगा। तो चलो आइए देखते हैं पहले इसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो किसी नॉर्मल लोगों ने देख लिया ना तो वो भी मिस्त्री बन जाएगा। तो मेरे भाई लोग हम लोग का सीलिंग साइज है 10 फीट बाय 12 फीट की। तो आप लोग का फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो हम लोग का सीलिंग है ना कौन से टाइप्स की है, तो ये एक्चुअली में ना ग्रेट सीलिंग है जो 2 फीट बाय 2 फीट की जो बोर्ड आता है ना उसी से बनाया जाता है ये फॉल सीलिंग। तो मेरे भाई लोग सबसे पहले हम लोग को फ्रेमिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेमिंग करने के लिए ना हम लोग को 3 चीज चाहिए होता है। पहला चीज वॉल एंगल चाहिए होता है, दूसरा चीज मेंटी चाहिए होता है, तीसरा चीज क्रॉस टी चाहिए होता है, और बाकी छोटा मोटा चीज तो लगता है, बाकी आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो मेरे भाई लोग ये जो आप लोग को देख रहा हुआ ना ये एक्चुअली वॉल एंगल है, और ये जो है ना 10 फीट में आता है, और इसका जो साइज है ना 1 इंच बाय 1 इंच का है। और दूसरा वाला आप लोग देख सकते हो ये है क्रॉस टी, और ये 2 फीट और 4 फीट में आता है, लेकिन हम लोग को 2 फीट का चाहिए होता है। और 2 फीट का जो क्रॉस टी होगा ना उसका बीच में ना कोई गैप नहीं होगा, कोई छेदा नहीं होगा, इस तरह से होता है, आप लोग देख सकते हो एकदम प्लेन सीधा होगा। और ये है हम लोग का मेंटी जो बीच में आप लोग को छेद बहुत सारा देखने को मिलता है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो यार। और ये जो मेंटी है ना ये 12 फीट में आता है। तो मेरे भाई लोग आप लोग देख सकते हो ये हम लोग एक टू रूम है, और यहाँ पे हम लोग को करना है टी ग्रेड वाला फॉल्स सीलिंग, जैसे कि आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं इस तरह से। हम लोग एक टू रूम है 10 फीट बाई 12 फीट की। तो दोस्तों हम लोग का जो दीवार का हाइट है ना वो 7 फीट 2 इंच का है, और हम लोग नीचे से लेकर ऊपर में ना 7 फीट 1 इंच में दागी देंगे। और हम लोग दीवार का जो चारों साइड का कोनर है ना हर कोना में हम लोग इस तरह से दागी देंगे, और फिर हम लोग को ना लाइन टनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फ्रेमिंग करेंगे ना तो वो सीधा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। फिर आप लोग इस तरह से एक तो सूता ले लेना है जहाँ से हम लोग दागी दिया था, यानी चारों साइड में चार कोना में हम लोग दागी दिया था ना, तो इस कोना से लेकर उस कोना में एक तो इस तरह से सूता लेना है, उसका ऊपर में मतलब कुछ लगा देना आप लोग को कलर वगैरह, फिर इस तरह से उंगली से टान देना है, तो हम लोग दीवार में ना एक तो लाइन बैठ जाएगा, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है इस तरह से एक तो लाइन दागी बैठ गया, मतलब 7 फीट 1 इंच में। दोस्तों आप लोग इस तरह से देखते हो तो हम लोग को चारों दीवार में ना आप लोग को इस तरह से एक तो लाइन खींच लेना है। एंड फिर हम लोग को चाहिए होगा वॉल एंगल जो इस तरह से आता है, आप लोग को मैंने पहले भी बताया था जो 10 फीट का आता है। एंड फिर हम लोग का वॉल में जो दागी दिया था उस दागी का ऊपर में हम लोग को इस वॉल एंगल को बैठाना है। और हम लोग का जो सीलिंग का साइज है ना 10 फीट बाय 12 फीट का है, तो हम लोग को 2 साइड में ना 10 फीट का 2 टू लगेगा। एंड हम लोग का जो दूसरा वाला दीवार है वहाँ पे है 12 फीट का, यानी हम लोग को 12 फीट का 2 टू लगेगा, लेकिन 12 फीट का तो आता नहीं है वॉल के लिए, तो 10 फीट का हम लोग को लगाना पड़ेगा, फिर हम लोग को उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई लोग मेरे पास जो ड्रिल मशीन था ना यानी वॉल ड्रिल करने वाला मशीन वो खराब हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे ना कॉन्क्रीट नेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे को जल्दी करना ये काम, तो मैंने यहाँ पे ना 1 इंच का कॉन्क्रीट नेल लिया हुआ है। दोस्तों वैसे आप लोग स्क्रू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा कॉन्क्रीट नेल वाला वीडियो नहीं देखा ना वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तब आप लोग को पता चलेगा ये कॉन्क्रीट नेल होता क्या है और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। दोस्तों आप लोग इस तरह से जो वॉल एंगल होता है इसको काटने के लिए आप लोग इस तरह से एक टू कांची ले सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हो। ये जो कैंची है ना आप लोग हर एक चीज काट सकते हो जो मतलब स्टील मटेरियल होता है, आसानी से काट सकते हो, जैसे कि देखो मैं कितना आसानी से काट रहा हूं। कोई लोग तो दिक्कत बोलेंगे चमेले ये तो पेपर की जैसे काट रहा है इसको। तो मेरे भाई लोग मैंने यहाँ पे ना वॉल एंगल एक टू काट लिया और मैं इधर में कर रहा हूँ जॉइन, तो आप लोग को इस तरह से ना बहुत ही अच्छा से जॉइन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई लोग मैं आप लोग को बताना चाहूंगा हम लोग ने यहाँ पे ना कॉन्क्रीट नेल जो है ना हम लोग ने 44 पीस इस्तेमाल किया है, यानी हम लोग ने ना 1-1 फीट छोड़ छोड़ के हम लोग ने ये कॉन्क्रीट नेल लगाया हुआ है। और ये जो कॉन्क्रीट नेल होता है ये लगाना बहुत ही इजी होता है, जैसे कि हम लोग लकड़ी में गजल ठोकते ना वैसे सेम टू सेम गजल के जैसा वॉल में घुस जाता रहे जमाइला। तो अपन ने इस तरह से ना चारों दीवार में हम लोग ने लगा दिया वॉल एंगल इस तरह से, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा जमाइला। मेंटी लगाने से पहले हम लोग को ना वॉल को मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभार हम लोग वॉल का जो साइज होता है ना 1-2 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। देखो दोस्तों मैं इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो इधर से लेके इधर में ना तो हम लोग देखते हैं कितना इंच आ रहा है रजाम वाला। तो हम लोग का सीलिंग का ब्रेड है 10 फीट 3 इंच का, तो हम लोग वही हिसाब से मेंटी को काटना पड़ेगा रजाम वाला। और ये रहा हम लोग का मेंटी जो की 12 फीट का आता है। तो आप लोग को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग को जो यहाँ पे एक टू छेद देख रहा होगा ना उसका माथा में जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा लगभग 4 इंच का गैप है दोस्तों। तो आप लोग को हमेशा ना मतलब फॉल्स नहीं करने के टाइम में ना आप लोग को इसी गैप में काट देना है, तो वहां से शुरू होगा हम लोग का प्रोसेस दोस्तों। एंड आप लोग ना इस मेंटी को डायरेक्ट इस तरह से सीधा नहीं काटना है, आप लोग को इस तरह से टेढ़ा काटना है जैसे कि मैं आप लोग को दिख रहा हूँ, इस तरह से ना टेढ़ा करके काटना है ताकि हम लोग का जो एल एंगल होगा ना यानी वॉल एंगल उसका ऊपर में अच्छे से फिट हो जाए इस तरह से। फिर हम लोग इधर से एक टू मेजरमेंट लेंगे जो हम लोग का जो ब्रेड है ना सीलिंग का वो हिसाब से हम लोग मेजरमेंट काट के काटेंगे, जैसे कि हम लोग का 10 फीट 3 इंच का था तो हम लोग 10 फीट 3 इंच में ही काटना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके हम लोग का वॉल एंगल में बैठेगा एकदम परफेक्टली।
और इस तरह भी आप लोग इस तरह से तेरा करके काट लेना जैसे कि मैं काट रहा हूँ ना इस तरह से, मतलब दोनों साइड तेरा वाला कटिंग होना चाहिए। एंड फिर मेरे भाई लोग आप लोग को मेन टी को ना इस तरह से बैठा देना जैसे कि मैंने इधर में बैठा है ना, हम लोग का जो 10 फीट वाला लेंथ होगा ना इसी साइड में बैठाना है क्योंकि हम लोग उसी साइड में काटे थे। और हम लोग इस मेन टी को ना 2-2 फीट छोड़ के लगा देना है और हम लोग को टोटल ना 5 टू लगेगा मेन टी। और उसके नीचे में हम लोग ने एक सूता भी बांध दिया, मतलब हम लोग का जो 12 फीट वाला जो साइड है ना वहाँ पे हम लोग ने एक सूता बांध दिया ताकि हम लोग का जो सीलिंग है ना वो मतलब अप एंड डाउन ना हो, एक ही लेवल में हो। जैसे कि आप लोग को देख रहे होगा यहाँ पे मैंने मेन टी तो लगा दिया, अभी हम लोग को ना इधर 13 से ना क्रॉस टी लगाना पड़ेगा और इसका मेजरमेंट देख सकते हो 2 फीट आ रहा है एग्जैक्टली। और मेन टी लगाने के बाद आप लोग को इस तरह से ना पोस्ट में ना तार से आप लोग को बांध देना, यानी हम लोग का जो होगा ना बटाम जो सीलिंग में होगा तो वहाँ से आप लोग को ना तार से बांध लेना है क्योंकि हम लोग का जो ये फ्रेम है ना बहुत ही नरम है तो ये मतलब नीचे में झूल सकता है, तो इसी के लिए आप लोग को तार से बांध देना है अच्छे से, मतलब हर एक जगह में आप लोग को बांधना है ठीक है। और इस तार को बांधने के लिए ना मेन टी में एक टू गैप भी होता है जैसे कि आप लोग को देख रहे हो 2 छेंदा है तो इसी छेंदा में लगाना, लेकिन जो आप लोग को नंबर वाला छेंदा देख रहा है ना वहाँ पे आप लोग को तार नहीं घुसना है क्योंकि वहाँ पे आप लोग को क्रोस्टी आएगा, वहाँ पे उसका बगल वाला में जो छोटा छोटा छेंदा है वहाँ पे लगा सकते हो आप लोग तार सिर्फ, तो उसी के लिए दिया हुआ ही है। तो आखिर हम लोग ने बहुत सारा मेहनत करने के बाद हम लोग ने मेन टी को लगा दिया है इधर, जैसे कि आप लोग को देख रहे होगा 5 टू मैंने इधर लगा दिया अच्छे से ठीक है। तो हम लोग का लगभग फ्रेमिंग आधा कम्प्लीट हो गया, अभी हम लोग को लगाना है क्रोस्टी जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा इस तरह से 2 फीट बाय 2 फीट की आती है। तो सबसे पहले आपने को ना दीवार से ना मतलब इस दीवार से लेके आप लोग को थोड़ा सा मेजरमेंट करना है हम लोग का, यानी जो मेंटी होता है ना उसमें एक टू गैप होता है जहाँ पे हम लोग को क्रोस्टी लगेगा, तो मैंने दीवार से यहाँ पे मेजरमेंट किया तो हम लोग का ठीक छेद में 2 फीट पहुंचा है ठीक है। तो हम लोग का परफेक्ट आ रहा है, यानी हम लोग ने सही से फ्रेमिंग किया है ठीक है। तो अभी हम लोग को लगाना पड़ेगा क्रोस्टी और ये हम लोग का दीवार है, मतलब हम लोग एक साइड से शुरू करेंगे ठीक है। तो ये रहा हम लोग का जो क्रोस्टी होता है ना भाई लोग इस तरह से होता है, और ये जो मुंह है ना उसको मैं तेरा कर दूंगा ताकि हम लोग का जो वॉल एंगल है ना उसके ऊपर मैं अच्छे से बैठ जाए। तो हम लोग ने क्रोस्टी का एक साइड का मुंह ना पूरा तेरा कर दिया, लेकिन दूसरा वाला मुंह जो है ना तेरा नहीं करेंगे क्योंकि वो जो मुंह है ना वो लगेगा हम लोग का मेन टी का छेद में, जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा दोस्तों। हाँ, तो ये जो छेद आप लोग को देख रहा होगा ना ऐसे धीरे करके आसानी से घुसा देना है, और मैंने घुसा भी दिया और ये थोड़ा सा टाइट भी हो गया, लेकिन उसका जो दूसरा वाला साइड है ना वहाँ पे भी एक टू लगेगा मतलब क्रोस्टी ठीक है। जैसे कि मैंने इधर में एक टू घुसा है ठीक है, तो इस साइड में भी एक टू क्रोस्टी यहाँ पे लगेगा देखो, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो लेफ्ट साइड में मैंने एक टू डॉट डाल दिया, अभी राइट साइड में मैं डाल रहा हूँ और एक टू क्रोस्टी। तो इस तरह से आराम आराम से ना डाला जाता है क्रोस्टी को, और मैंने लगभग आधा क्रोस्टी तो मैंने लगा दिया और फाइनली हम लोगों का ना पूरा कम्प्लीट हो गया। तो चलो आइए क्रोस्टी का एक्चुअल फॉर्मूला आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग और भी आसानी से समझ पाओ ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ना एक टू मैंने डायग्राम लिया हुआ है ठीक है, इस तरह से मतलब 10 फीट बाय 12 फीट गए ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ ना ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस साइड में ना 10 फीट गए ठीक है, और उस साइड में 12 फीट का, यानी इधर 2 साइड में 10-10 फीट का है और उधर 2 साइड में 12-12 फीट का है। तो ये एक्चुअल में हम लोग का सीलिंग का साइज है ठीक है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, देखिए इधर जो 10 फीट का है ना, तो यहाँ पे देखो साइड में जो है ना वो दीवार है ठीक है, तो वो साइड में हम लोग ने वॉल एंगल लगाया है ठीक है, 10-10 फीट का मतलब 4-2 लगाया हम लोग ने ठीक है पहले तो। एंड फिर आप लोग को देख रहे हो इधर जो 10 फीट वाला जो लाइन है ना उसका बीच में, तो हम लोग ने यहाँ पे लगाया है मेन टी 10 फीट का ठीक है, हम लोग ने कटिंग करके लगाया हुआ है 10 फीट का ठीक है। आप लोग इसमें देख रहा होगा तो हम लोग ने इधर लगाया 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 मेन टी लगाया है ठीक है, इस तरह से लंबाई में। और जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा जो हम लोग का 12 फीट का लाइन है ना, तो वहां से हम लोग ने 2 फीट का क्रॉस टी लगाया हुआ है, मतलब जैसे कि आप लोग को इसमें देख रहा होगा मतलब इधर से भी 2 फीट होना चाहिए, इधर से भी 2 फीट होना चाहिए, मतलब एक टू स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए 2 फीट बाय 2 फीट का, क्योंकि हम लोग का जो सीलिंग बोर्ड है ना वो 2 फीट बाय 2 फीट का है, तो इसीलिए हम लोग को 2 फीट बाय 2 फीट का बॉक्स बनाना है। एंड जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा 10 फीट बाय 12 फीट का सीलिंग में ना हम लोग को यहाँ पे ना 24 पीस क्रोस्टी लगा हुआ है, और हम लोग का जो मेन टी है ना वो 5-2 लगा हुआ है, और हम लोग का जो मतलब वॉल एंगल है ना वो लगा है 5-2। तो चलो मेरे भाई लोग अभी आप लोग को मैं देखा था मेन टी को कैसे मतलब ज्वाइन किया जाता है ठीक है। मैंने यहाँ पे ना 2 पीस मेन टी को काट के रखा हुआ है ताकि आप लोग को दिखाने के लिए किस तरह से होता है ये ज्वाइन। तो ये रहा हम लोग का एक टू मेन टी और एक टू मेन टी हम लोग लेंगे, लेने के बाद हम दोनों को ना इस तरह से मतलब इसको एक टू लॉकिंग सिस्टम होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा सामने में छोटा छोटा एक टू लॉकिंग सिस्टम है ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से ना आप लोग को इन दोनों को ना आपस में जोड़ना है, जैसे कि देख सकते हो इस साइड में भी एक टू लॉकिंग सिस्टम है और उस साइड में भी एक टू लॉकिंग सिस्टम है, मतलब गैप देख रहा होगा ना आप लोग को 2 साइड में 2 टू। जैसे आप लोग इस तरह से दोनों को ना एक दूसरे को मतलब ज्वाइन करेंगे ना, जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा मैं थोड़ा मतलब जोर से इसमें मतलब दबाना पड़ता है, दबाने के साथ साथ देखो इस तरह से एक तो मतलब आवाज करके लॉक हो जाता है, देखो ये पूरा एक टू लॉक हो गया दोस्तों, ये खुलेगा नहीं कभी भी, ये एकदम टाइट हो गया लॉक हो गया ये। और एक चीज आप लोग को बोलना चाहता हूँ, मेन टी जो है ना मेन टी के साथ मेन टी ज्वाइन होगा क्रॉस टी ज्वाइन नहीं होगा,
क्रोस्टी के साथ क्रोस्टी जोन होगा, मेंटी के साथ मेंटी जोन होगा। देखो इधर क्रोस्टी इस तरह से लगाया जाता है जैसे कि आप लोगों को वीडियो में देख रहा होगा, इस तरह से क्रोस्टी को ना काट के ना लगाया जाता है। ये हम लोग का साइड अलग वाले, और एक बार देख लीजिए, देखिए ना भाई, में हम लोग का मेंटी है और हम लोग साइड में देखो क्रोस्टी लगा रहे हैं। देखो जैसे की तो इस तरह से आप लोगों ना हर एक जगह में मतलब क्रोस्टी इस तरह से लगा देना है। तो चलो मेरे भाई लोग, मैंने तो फ्रेमिंग तो कर ली है, अभी हम लोग का लास्ट में आज आती है बोर्ड को लगाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग वीडियो में मतलब बोर्ड को किस तरह से लगाया जाता है, और ये जो बोर्ड है ना 2 फीट बाय 2 फीट का आता है, तो बहुत सारा टाइप्स के आते हैं, वो भी आप लोगों को मैं आगे में बताऊंगा, ठीक है। और प्राइस भी मैं आगे में बताऊंगा, पहले आप लोगों को दिखाता हूं इसको कैसे अच्छे से फिट किया जाता है। और हम लोग यहां पे लगा रहे हैं 2 फीट बाय 2 फीट का जिप्सम बोर्ड, जो बिना लिमिनेट वाला आता है वो वाला लगा रहे हैं, और इस पे आप लोग कलर पेंट भी मार सकते हो। और जो लिमिनेट वाला आता है ना, मतलब प्लास्टिक लिमिनेट होता है, उसमें आप लोग कोई भी पेंट वगैरह नहीं मार सकते, क्योंकि उसमें वो डिजाइन होता है, टेक्चर होता है। तो मेरे भाई आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा इसको कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब बारी आती है कि इसको लगाने पर हम लोगों को कितना कॉस्ट आएगा, तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा हम लोग का जो 2 फीट बाय 2 फीट का जो बोर्ड होता है उसका कॉस्ट कितना आएगा और उसका एडवांटेज क्या होगा। तो देखो मेरे भाई लोग, मार्केट में ना दो टाइप्स के बोर्ड सबसे ज्यादा चलता है, एक तो होता है सीमेंटेड टाइल और एक होता है जिप्सम टाइल। तो अगर हम लोग ना सीमेंटेड टाइल यानी एस्बेस्टोस टाइल के नाम से भी जाना जाता है, इसके एडवांटेज के बारे में बात करें ना, तो इजी टू इंस्टॉल एंड लाइट वेट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है एंड इजी टू मेंटेनेंस होता है। और आप लोग जब मन करे ना तब इस टाइल को चेंज कर सकते हो, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है एंड इस सीमेंट टाइल में ना इंसुलेशन देखने को मिलता है, मतलब गर्मी के टाइम में ना थोड़ा कूलर की काम करता है। तो अगर हम लोग इसके प्राइस के बारे में बात करें ना, तो ये पर पीस में ना 65 रुपये से शुरू हो जाती है, बाकी स्टेट का ऊपर में ना थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। तो मेरे भाई लोग आइए दूसरे टाइप्स की बोर्ड के बारे में जानते हैं। तो ये है पीवीसी लिमिटेड जिप्सम टाइल, इसके एडवांटेज के बारे में बात करें ना, तो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी एंड इजी टू मेंटेनेंस होता है, पीवीसी लिमिटेड जिप्सम टाइल फायर प्रूफ होता है और घरों को ना आग लगाने से बचाता है, वाटर रेजिस्टेंट एंड लाइट वेट होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कम पैसा में ना काम हो जाएगा, और इसमें ना डिजाइन भी काफी ज्यादा मिल जाता है। पीवीसी लिमिटेड जिप्सम टाइल क्यों बोला जाता है, कारण ये है कि ना पहले तो इस तरह की टाइल को बनाया जाता है, फिर इसके ऊपर में ना पीवीसी का प्लास्टिक चिपका दिया जाता है, तो इसी वजह से पीवीसी लिमिटेड जिप्सम टाइल कहा जाता है। वो इसी तो असली नाम जिप्सम बोर्ड है। देखो दोस्तों इधर जिप्सम टाइल में ना पीवीसी प्लास्टिक चिपकाने के बाद ही वाटर प्रूफ होता है, और इस पर ना बहुत सारा डिजाइन देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस बोर्ड का ऊपर में ना प्लास्टिक चिपका दिया जाता है ना, तो उस प्लास्टिक में होता है वो डिजाइन, तब लोग को बहुत सारा मिल जाएगा जितना चाहिए उतना। और अगर आप लोग ना बिना लिमिटेड वाला जिप्सम बोर्ड लेते हो ना ओनली प्लेन, तो वहाँ पर आप लोग ना पेंट भी करवा सकते हो, और आप लोग अच्छा वाला पेंट मारेंगे ना यानी वाटर प्रूफ वाला वॉशेबल ना, तो आप लोग का जो ये बोर्ड है ना वो 100% वाटर प्रूफ वॉशेबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके प्राइस के बारे में बात करें ना, तो ये 75 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, बाकी स्टेट का ऊपर में ना थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। तो चलो आइए प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों हम लोग ना 10 फीट बाय 12 फीट का एक टू सीलिंग में ना 5 पीस वॉल एंगल लगेगा, जिसका प्राइस ना पर पीस में 100 रुपया है, तो 5 टू का प्राइस होगा 500 रुपया। एंड उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा मेंटी, और वो लगेगा 5 टू पीस और पर पीस का प्राइस वो भी 100 रुपया है, तो 5 टू का 500 रुपया ये भी हो गया। एंड उसके बाद आता है हम लोग का क्रोस्टी, और ये 2 फीट का आता है और ये 24 पीस लगेगा हम लोग को, और ये पर पीस का जो प्राइस है ना 35 रुपया से शुरू हो जाती है, और ये हम लोग का टोटल कॉस्ट आएगा 840 रुपया। एंड उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा कॉन्क्रीट नेल, जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1 इंची का, और आप लोग 1.5 इंची का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैसे तो पैकेट हिसाब में मिलता है, तो पैकेट में लगभग 100 पीस रहता है, लेकिन हम लोग को चाहिए लगभग 50 पीस, तो 100 पीस का पैकेट में 240 रुपए से आप लोग को मिल जाएगा आसानी से किसी दुकान पे। एंड फिर हम लोग को चाहिए होगा 2 फीट बाय 2 फीट का सीलिंग टाइल, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे सीमेंटेड का जो सीलिंग टाइल आता है वो वाला लेंगे, बाद में आप लोग को जिप्सम वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सीलिंग टाइल हम लोग को 30 पीस चाहिए होगा, जो पर पीस में ना 65 रुपए से शुरू हो जाती है, और टोटल प्राइस आता है इसका 1950 रुपया। एंड देन उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा जीआई वायर, जो हम लोग सपोर्ट के लिए बांधेंगे ना फ्रेम को, तो वो लगभग 1 kg लग जाएगा, तो 1 kg का मान के चलो 140 रुपया है। और फिर हम लोग का लास्ट में आता है लेबर कॉस्ट, तो ये स्क्वायर फीट में ना लेबर ना 15 से 20 रुपए लेगा आपसे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 20 रुपये पकड़ते हैं, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट टोटल आ जाता है 2400 रुपया। तो मेरे भाई लोग अगर हम लोग इन सभी मटेरियल को जोड़ते हैं ना, मतलब जितना भी आप लोगों को मैंने बताया मटेरियल, तो सभी को जोड़ने के बाद ना हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाती है 6570 रुपया, यानी कि दोस्तों 10 फीट बाय 12 फीट का ना ऐसे सीलिंग बनाने पर हम लोग को 6570 रुपये का कॉस्ट आएगा। तो अगर हम लोग ना इसको स्क्वायर फीट में देखें ना, तो ये 55 रुपया आता है, यानी कि आप लोग का सीलिंग साइज ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है ना, तो आप लोग ये 55 स्क्वायर फीट जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग कॉस्ट निकाल सकते हो। तो चलो ये अभी जिप्सम बोर्ड लगाने पर उसका कॉस्ट कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों जिप्सम बोर्ड अगर आप लोग लगाते हो ना, तो उसका कॉस्ट 7000 रुपया आएगा विद मटेरियल लेबर सब कुछ, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर फीट में देखें ना, तो 58 रुपया आता है, मतलब 3 रुपये का फर्क है।
तू मेरे बोलेगा आप लोग को तो सारा चीज तो पता चल ही गया होगा, प्राइस के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, हर एक चीज। फिर भी आप लोग का मन में कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मैसेज कर सकते हो। मेरे बोलो आप लोग को और एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग को ये जो मैटर है ना आप लोग में कैसे परवास चल रहा है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो ताकि एक दूसरे को हेल्प हो जाए। तो अगर आप लोग ना मिस्त्री हो ना तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग कितना लेते हो इसी टाइप्स का फॉल्स बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।